तो वीडियो को शुरू करने से पहले बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरी बनाई हुई ये वीडियो पसंद आती है तो जरूर से वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से करना, और अब आप सभी इस वीडियो को एंजॉय करो। तो हम सभी देखते हैं कि अकुमो और पहला ओमनिलॉर्ड रेंजी अपनी लड़ाई को शुरू कर चुके होते हैं। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं कि गोकू और डारिया भी अपने मल्टीवर्स में लौट आए होते हैं, और तभी हम सभी देखते हैं ड्रैगन गॉड ज़ालामा को, जो कि इस समय पर ज़ेनोसामा और यामोशी के सामने खड़ा होता है। और तभी यामोशी आगे आते हुए कहता है, ड्रैगन गॉड ज़ालामा, मैं आपको बता दूं कि मेरे होते हुए मैं इस मल्टीवर्स को कुछ भी नहीं होने दूंगा। जो सुनकर तभी ड्रैगन गॉड ज़ालामा भी कहते हैं, सुपर सीन गॉड यामोशी, मैं जानता हूं कि आखिर तुम्हारी काबिलियत क्या है, लेकिन तुम्हें भी इस बात के बारे में अच्छी तरीके से मालूम है कि जो कुछ भी तुम सैयंस ने किया है ओमनिलॉर्ड को खत्म करके, ये माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, ड्रैगन गॉड ज़ालामा, इस बात के बारे में आपको भी मालूम है कि वो सारे ओमनिलॉर्ड इस मल्टीवर्स को खत्म करने के लिए जबरदस्ती यहाँ पर आ रहे थे, और इन सभी में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की गलती है। अगर आप उनकी गलतियों को छुपाओगे तो आप एक अच्छे ओमनिलॉर्ड नहीं कहला पाओगे। जिसके ऊपर तभी ड्रैगन गॉड ज़ालामा अपनी पावर को अप करते हुए कहते हैं, मैं यहाँ पर तुमसे या फिर किसी से भी बकवास करने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पर अपना काम करने के लिए आया हूँ, इस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और मैं ये करके रहूंगा। और तभी यामोशी भी अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है, लेकिन मैं ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा, समझे। ये कहने के बाद यामोशी ड्रैगन गॉड ज़ालामा के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन वो यामोशी के हमले को बड़ी आसानी से अवॉइड कर लेते हैं। हम देखते कि ड्रैगन गॉड ज़ालामा अचानक से यामोशी के पीछे आ जाते हैं। यामोशी ड्रैगन गॉड ज़ालामा की तेजी को देख पा रहा होता है, और तभी यामोशी अपने एक और की ब्लास्ट करता है ड्रैगन गॉड ज़ालामा के ऊपर, लेकिन वो बस वहीं पर खड़े होते हैं, और तभी वहां पर एक धमाका होता है। हम देखते कि यामोशी उस धुएं के बीच में से ही उनके एक काफी जोरदार पंच भी लगाता है, लेकिन ड्रैगन गॉड ज़ालामा को इन सभी अटैक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जो देखकर ज़ेनोसामा कहते हैं, यामोशी जरा संभल कर, ड्रैगन गॉड ज़ालामा उनकी बराबरी करना बहुत मुश्किल है। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, मैं जानता हूँ तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ड्रैगन गॉड ज़ालामा भी जानते हैं कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। हम देखते कि तभी ड्रैगन गॉड ज़ालामा यामोशी के ऊपर अपना एक हमला करते हैं, लेकिन यामोशी अपनी तेजी की मदद से उनके हमले को अवॉइड करता है। हम देखते हैं कि ड्रैगन गॉड ज़ालामा तभी एक और की ब्लास्ट करते हैं यामोशी पर, यामोशी उनके हमले को अवॉइड करके सीधा ड्रैगन गॉड ज़ालामा के सामने से उन पर एक पंच लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन गॉड ज़ालामा यामोशी के हमले को बड़ी आसानी से डॉज कर लेते हैं। वो दोनों ही लगातार एक दूसरे के ऊपर अपने लगातार हमले जारी रखते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे के हमले को बड़ी आसानी से अवॉइड कर रहे होते हैं। लेकिन तभी ड्रैगन गॉड ज़ालामा अपनी ताकत को बढ़ाते हैं, वो यामोशी को एक काफी जोरदार हिट लगाते हैं, जिससे यामोशी चोट खाकर थोड़ा सा दूर गिर जाता है। और तभी ड्रैगन गॉड ज़ालामा कहते हैं, मेरी बात का विश्वास करो, तुम इतने समय से जहां पर छुप के बैठे हुए थे, अगर तुम वहीं पर रहते यामोशी तो तुम्हारे लिए अच्छा होता, और अब इस मल्टीवर्स के साथ मुझे तुम्हें भी खत्म करना होगा। जो सुनकर तभी यामोशी हंसने लगता है, और वो कहता है, वाकई में ड्रैगन गॉड ज़ालामा, क्या आपको लगता है कि मैं इतनी आसानी से आपसे हार जाऊंगा? हाँ। ये कहने के बाद यामोशी अपनी पावर को बढ़ाता है, वो अपनी सुपर सीन गॉड फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखकर ड्रैगन गॉड ज़ालामा कहते हैं, मैं तुमसे ये उम्मीद तो नहीं करूंगा कि तुम जल्द से जल्द मेरे सामने हार मान लो, लेकिन हाँ, तुम्हें भी इस बात के बारे में मालूम है कि तुम एक पुराने ओमनिलॉर्ड हो, लेकिन मैं इस समय पर एक ओमनिलॉर्ड हूँ। जो सुनकर हम देखते यामोशी कहता है, तो आपको तो ये बात मालूम होगी कि मैं एक पुराना ओमनिलॉर्ड रह चुका हूँ, तो मेरे पास भी ओमनिलॉर्ड की बराबरी करने जितनी ताकत है,
ड्रैगन गॉड जालामा। ये कहने के बाद यामोशी पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाता है, जो देखकर ड्रैगन गॉड जालामा चौंक जाते हैं। वो चारों तरफ यामोशी को देखते रहते हैं, लेकिन यामोशी उनको कहीं पर भी नजर नहीं आता। और तभी यामोशी अचानक से ड्रैगन गॉड जालामा के सामने आकर उन्हें एक काफी जोरदार हिट लगाता है, लेकिन ड्रैगन लॉर्ड जालामा यामोशी के हमले को ब्लॉक कर देते हैं। और तभी वो कहते हैं, मैं इस बात के बारे में जानता था यामोशी कि तुम ताकतवर जरूर हो, लेकिन कभी भी तुम पीठ पीछे वार नहीं करोगे, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि मैं तुम्हारे सभी अटैक को पहले से ही देख सकता हूँ कि आखिर तुम क्या करने वाले हो। ये कहने के बाद ड्रैगन गॉड जालामा यामोशी को एक और काफी जोरदार हिट लगाते हैं, जिसे यामोशी ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो कुछ कदम पीछे हट जाता है। और तभी यामोशी कहता है, आप मुझे एकदम अच्छी तरीके से जानते हो ड्रैगन गॉड जालामा, लेकिन मेरी ताकत को नहीं। ये कहने के बाद यामोशी अपनी पावर को अप करता है। वो अपना एक ताकतवर हमला करता है ड्रैगन गॉड जालामा के ऊपर। ड्रैगन गॉड जालामा जैसे उस हमले को अवॉइड करते हैं, यामोशी अचानक से उनके पीछे आकर ड्रैगन गॉड जालामा को एक हिट करता है, जिससे ड्रैगन गॉड जालामा कुछ कदम दूर गिर जाते हैं, जो देखकर तभी यामोशी कहता है, मैं जानता हूं कि आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। जिसके ऊपर तभी ड्रैगन गॉड जालामा खड़े होते हैं, और तभी वो कहते हैं, यामोशी आखिर जो कुछ भी तुम कर रहे हो तुम्हें मालूम तो है ना कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। एक समय पर तुम भी एक ओमनी लॉर्ड रह चुके हो, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अब इस मल्टीवर्स का आखिर क्या अंजाम होगा। ये कहने के बाद ड्रैगन गॉड जालामा अपनी पावर को अप करते हैं, और यामोशी ड्रैगन गॉड जालामा एक दूसरे के ऊपर एक साथ अपने हमले करते हैं, जिससे तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और ये सब देखकर ज़ेनोसामा कहते हैं, यामोशी तो आखिरकार लगता है कि तुम्हारा सच सभी के सामने आ जाएगा, और तुम्हारे उस फैसले के भी। हम देखते हैं दूसरी तरफ गोकू और डारिया को, जो कि बड़ी तेजी से सभी के पास जाने के लिए निकल चुके होते हैं। और तभी डारिया कहता है, गोकू क्या तुम पहले सुपर सेंट गॉड की एनर्जी को महसूस कर सकते हो, या फिर ज़ेनोसामा की? क्योंकि लॉर्ड अकुमो की मैं एनर्जी महसूस कर सकता हूँ, वो इस समय किसी से लड़ाई कर रहे हैं। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ मुझे वेजिटा की एनर्जी महसूस हो रही है, साथ ही में गोहान की भी, तो सबसे पहले हमें वहां पर चलना चाहिए, क्योंकि फादर ऑफ सियन अपने आप को संभाल सकते हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ये कहने के बाद गोकू और डारिया वेजिटा के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर हम सभी देखते वेजिटा और गोहान को, जो कि इस समय पर दो ओमनी वॉरियर्स के साथ में लड़ाई कर रहे होते हैं। और तभी उनमें से एक ओमनी वॉरियर वेजिटा से कहता है, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो सैयन, क्या तुम्हें मालूम भी है कि हम ओमनी वॉरियर्स हैं? तुम मामूली सियन हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। हम देखते कि वेजिटा अपनी नई फॉर्म पर होता है, और तभी और वेजिटा उस ओमनी वॉरियर को एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे वो ओमनी वॉरियर ब्लॉक करके वेजिटा को एक काफी जोरदार हिट लगाता है, जिससे वेजिटा कुछ कदम पीछे हट जाता है। और तभी वेजिटा कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि हम सैयंस कमजोर हैं? हाँ तो मैं तुम्हें बता दूं, शायद तुम भूल चुके हो कि तुम्हारे पांच ओमनी लॉर्ड को हम सैयंस ने ही खत्म किया है, तो आखिरकार तुम ओमनी वॉरियर हमारे सामने क्या हो? ये कहने के बाद वेजिटा तुरंत उस ओमनी वॉरियर के सामने आ जाता है। वेजिटा उस ओमनी वॉरियर के ऊपर अपना एक ताकतवर हमला करता है, जिससे तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं कि उस धमाके के बाद वो ओमनी वॉरियर वहीं पर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और तभी हम सभी गोहान को देखते हैं, जो कि इस समय पर एक ओमनी वॉरियर के साथ में अपनी लड़ाई को लड़ रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे कर वो ओमनी वॉरियर गोहान के ऊपर हावी सा होने लगता है। और तभी गोहान कहता है, वाकई में ये काफी शक्तिशाली है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, गोहान आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी उसे खत्म करो, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें इस मल्टीवर्स को बचाना है। लेकिन हम देखते हैं कि वो ओमनी वॉरियर गोहान के ऊपर अपना एक हमला करता है, जिसे गोहान चोट खाकर काफी दूर गिरता है। और तभी वेजिटा उस ओमनी वॉरियर को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गोहान बीच में आ जाता है और गोहान कहता है, रुक जाओ वेजिटा, ये मेरी लड़ाई है और इसे मैं ही खत्म करके रहूंगा। ये कहने के बाद गोहान अपनी ताकत को अप करता है,
और तभी वो ओमनी वॉरियर कहता है, नादान सैयन, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम ओमनी वॉरियर्स और ओमनी गॉड्स को रोक सकते हो। ये कहने के बाद गुहान उस ओमनी वॉरियर के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन वो ओमनी वॉरियर गुहान के हमले को अवॉइड कर लेता है और वो कहता है, हम इस मल्टीवर्स में रहने वाले हर एक मॉर्टल और हर एक शख्स को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, समझे सैयंस, और हम तुम्हारे सभी दोस्त और तुम्हारे सभी परिवार वालों को भी धूल में बदल देंगे। ये कहने के बाद वो ओमनी वॉरियर गुहान के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन तभी गुहान कहता है, क्या कहा तुमने? क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम मेरे होते हुए मेरे दोस्त या मेरे परिवार वालों को छू तक सकते हो? ये कहने के बाद गुहान अपनी स्पेशल बीम कैनन को चार्ज करने लगता है और तभी वो ओमनी वॉरियर गुहान के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन गुहान अपनी स्पेशल बीम कैनन को लॉन्च कर देता है उस ओमनी वॉरियर के ऊपर, जिससे तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और गुहान ने भी उस ओमनी वॉरियर को खत्म कर दिया होता है। और तभी गुहान कहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं अपने इस मल्टीवर्स को कुछ भी नहीं होने दूंगा, ना ही मेरे दोस्त और ना ही मेरे परिवार वालों को। और तभी वेजिटा गुहान से कहता है, शाबाश गुहान, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, और अब चलो हमें ज़ेनोसामा के पास लौटना चाहिए। ये कहने के बाद गुहान और वेजिटा दोनों ही ज़ेनोसामा के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर हम सभी कंबर को देखते हैं, जो कि इस समय पर एक ओमनी गॉड के साथ में लड़ रहा होता है मल्टीवर्स के बाहर। धीरे धीरे कर कंबर उस ओमनी गॉड के ऊपर हावी होने लगता है और तभी कंबर भी उस ओमनी गॉड के ऊपर अपने एक हमला करता है, जिससे वो ओमनी गॉड वहीं पर खत्म हो जाता है। और तभी कंबर कहता है, डारी और गोकू अभी तक उन सभी के पास चले गए होंगे, मुझे भी अब जल्दी करनी चाहिए, इस ओमनी गॉड ने मेरा काफी समय बर्बाद कर दिया। ये कहने के बाद कंबर भी उन सभी के पास जाने के लिए बड़ी तेजी से निकल जाता है और तभी हम सभी देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट और साथ ही में उन सभी को ब्रूली और कागुया भी इस समय पर ओमनी वॉरियर्स के साथ में लड़ रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे कर वो सभी लोग हर एक ओमनी वॉरियर को डिफीट करते जाते हैं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट अपनी शक्ति को इस्तेमाल करके एक ओमनी वॉरियर को वहीं पर खत्म कर देते हैं। ब्रूली भी अपनी ताकत को अप करता है, वो अपना एक काफी बड़ा हमला करता है एक ओमनी वॉरियर के ऊपर, जिससे ब्रूली भी एक ओमनी वॉरियर को वहीं पर खत्म कर देता है। हम देखते हैं कि कागुया भी अपनी पावर को अप करके काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है और वो भी वहां पर मौजूद एक और ओमनी वॉरियर को खत्म कर देता है और उन सभी ने भी सारे ही ओमनी वॉरियर्स को डिफीट कर दिया होता है। और तभी ट्रंक्स कहता है, तो चलो अब हमें जल्दी करनी चाहिए, उन बाकी सभी के पास भी हमें जल्द से जल्द पहुंचना होगा। ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस और वो सभी लोग उन सभी के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी ओर हम सभी देखते हैं यामोशी इस समय पर ड्रैगन गॉड ज़ालामा के साथ में अपनी लड़ाई को लड़ रहा होता है। धीरे धीरे कर वहां पर सभी लोग आने लगते हैं और तभी वो सभी लोग यामोशी को ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा के साथ लड़ाई करते हुए देखते हैं। और तभी वेजिटा ग्रैंड प्रीस्ट को देखकर कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, क्या आप लोगों ने उन सभी को रोक दिया? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ वेजिटा, हमने अपने काम को पूरा किया, वहां पर जितने भी ओमनी गार्डियन थे और ओमनी वॉरियर, हम सभी ने उन्हें खत्म कर दिया है, क्या तुम लोगों ने भी अपना काम पूरा किया? जिसके ऊपर तभी गुहान कहता है, हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, हमने भी अपना काम पूरा किया और अब बस दो ओमनी लॉर्ड बचे हैं मेरे ख्याल से। हम देखते कि तभी वहां पर डारी और गोकू भी आ जाते हैं। गोकू को देखकर गुहान और वेजिटा हैरान होते हैं और तभी गोकू कहता है, क्या बात है, लगता है कि हम यहाँ पर समय के साथ पहुंच चुके हैं डारिया, और सभी लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया है। जो सभी देखकर ज़ेनोसामा भी हैरानी के साथ कहते हैं, क्या गोकू, वाकई में क्या ये तुम हो और तुम जिंदा हो? वेजिटा भी कहता है, क्या कैकरोट, आखिर तुम जिंदा हो, लेकिन कैसे, और तुम भला इतने समय से कहां पर गायब थे? गुहान भी गोकू को देखकर हैरान होता है और तभी गोकू सारी ही बात उन सभी को समझाने लगता है। जो सभी देखकर वो सभी लोग हैरान होते हैं और तभी डारिया कहता है, रुको जरा, अगर यहाँ पर ये लड़ाई चल रही है तो आखिरकार लॉर्ड अकुमो कहाँ पर है? मुझे लगा था कि लॉर्ड अकुमो यहाँ पर है, क्योंकि यहीं से मुझे उनकी एनर्जी महसूस हो रही थी, लेकिन तभी
हम देखते कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और उस धुएं के बीच में से अकुमो और साथ ही में रेंजी अपनी लड़ाई करते हुए बाहर आते हैं। उन दोनों को देखकर हर एक शख्स हैरान होता है क्योंकि उन दोनों की एनर्जी काफी ज्यादा होती है। वो धीरे धीरे कर पूरे के पूरे मल्टीवर्स में फैलने लगती है और तभी हम देखते रेंजी उन सभी को देखकर कहता है, क्या बात है अकुमो, लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर लेकर आ चुके हो जहां पर तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे ये सारे सैयन साथ ही मौजूद हैं। हम देखते कि रेंजी तभी ड्रैगन गॉड ज़ालामा के साथ में जाकर खड़ा हो जाता है और तभी अकुमो कहता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें कहीं पर भी लेकर नहीं आया और ना ही मुझे तुम्हें खत्म करने के लिए इनमें से किसी की जरूरत पड़ेगी। ड्रैगन गॉड ज़ालामा तो आप भी यहीं पर है। हम देखते कि यामोशी भी अकुमो के साथ में जाकर खड़ा होता है और तभी कागुया कहता है, तो आखिरकार वाकई में क्या ये होने वाला है? जिस पे डारिया भी कहता है, क्या सच में पहले सुपर सियन गॉड और साथ ही में फादर ऑफ सियन आप दोनों ही क्या एक साथ मिलकर लड़ने वाले हो? जिसके ऊपर तभी यामोशी कहता है, हमारे पास फिलहाल के लिए और कोई चारा नहीं है। अगर हमें इन्हें रोकना है तो अकुमो हमें एक साथ मिलकर लड़ना होगा। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, तुम अपनी बात करो, समझे मैं इस रेंजी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता हूँ, वो भी अकेले। जो सुनकर तभी रेंजी काफी जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है, चलो ठीक है अकुमो, देखते हैं कि तुम दोनों सैयंस हम दोनों आमने लॉर्ड के सामने क्या कर पाते हो। हम देखते तभी ड्रैगन गॉड ज़ालामा कहते हैं, तुम दोनों अभी के अभी जल्द से जल्द यहाँ पर आओ और इन सभी बाकी के बचे हुए लोगों को देखो। हम देखते कि ड्रैगन गॉड ज़ालामा के इस बात को सुनकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर ड्रैगन गॉड ज़ालामा के दो सबसे ताकतवर ओमनी गार्डियन आते हैं जिन्हें देखकर ग्रैंड फिश भी चौंकते हुए कहते हैं, क्या ये दोनों यहां पर, लेकिन कैसे? जिसके ऊपर तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, आखिर ड्रैगन गॉड ज़ालामा आप अपने सबसे ताकतवर ओमनी गार्डियन को यहां पर लेकर आए हो। हम देखते कि उन दोनों ओमनी गार्डियन को देखकर ज़ेनोसामा और ग्रैंड फिश काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि दो शख्स आगे आते हैं और वो दोनों ही कहते हैं, चिंता मत करो, इनको तो हम संभाल लेंगे, क्यों है ना वेजिटा। हम देखते हैं कि वेजिटा और गोकू भी उन दोनों ओमनी गार्डियन को फेस करने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं ड्रैगन गॉड ज़ालामा और रेंजी को जिनके सामने पहले सुपर सियन गॉड यामोशी और फादर ऑफ सियन अकुमो होते हैं। तो जाने से पहले सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप सभी को मेरी बनाई हुई स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक करके जाना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। जब तक के लिए मैं आप सभी से मिलता हूँ अगली वीडियो में।